आज हम इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सिंधु संस्कृति से भारतीय संस्कृति की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन के साथ ही विश्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी। भारतीय पुरातत्व विभाग ने जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ का अवलोकन किया, लेकिन इस स्थल के महत्व को समझा नहीं जा सका। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल का ज्ञान हुआ। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस सभ्यता के उद्भव को उन ग्रामीण संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है जो उत्तर पश्चिम के एक बड़े क्षेत्र में 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य अस्तित्व में आई। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ तथा किलीगुल मोहम्मद, अफगानिस्तान में मुंडकी काक एवं पंजाब में जलीलपुर इसके उदाहरण है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषि बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र के बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती बालथल है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण स्रोत कंकाल है। सर्वाधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सिंधु संस्कृति का नामकरण। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खोज के कारण सिंधु संस्कृति का नामकरण हड़प्पा के नाम पर रखा गया। वैसे ही संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थलों के नाम पर भी सिंधु संस्कृति को जाना जाता है। बात करें सिंधु संस्कृति का काल निर्धारण के बारे में, तो सिंधु संस्कृति का काल निर्धारण हमेशा से एक जटिल कार्य रहा है। इसकी लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिस कारण सिंधु संस्कृति के काल का निर्धारण में काफी अंतर देखने को मिलता है। सिंधु संस्कृति के विस्तार की बात करें तो अब तक सिंधु संस्कृति की हजार बस्तियों का पता चल चुका है, जिससे इसके विस्तार को समझा जा सकता है। वर्तमान में इसका समूचा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पाया गया है। सिंधु संस्कृति में नगर योजना की अगर हम बात करें, इसकी नगर योजना विलक्षण थी, जिसकी तुलना आधुनिक काल की नगर योजना से की जा सकती है। इस नगर योजना के अंतर्गत स्वच्छता, सुरक्षा तथा वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा गया था, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की नगर योजना से स्पष्ट हो जाता है। राजनीतिक संगठन की बात करें तो सिंधु संस्कृति में राजनीतिक संगठन के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहाँ जनतांत्रिक तो कुछ के अनुसार यहाँ प्रतिनिधि का शासन था, पर ऐसा कहना उचित नहीं है। बात करें सिंधु संस्कृति में आर्थिक जीवन की, तो सिंधु संस्कृति में व्यापार वाणिज्य को आर्थिक जीवन का आधार बनाया गया, परंतु यहाँ की अर्थव्यवस्था को मिश्रित प्रकार का कहा जा सकता है, क्योंकि सिंधुवासी कृषि, पशुपालन तथा शिल्प एवं उद्योग धंधों में भी संलग्न थे, जो कि इस संस्कृति स्थल से पाए गए साक्ष्य से प्रमाणित होते हैं। सिंधु संस्कृति के विदेश से व्यापार भी था। सैंधव सभ्यता के नगरों का मध्य एवं पश्चिम एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों, ईरान, इराक से व्यापारिक संबंध के प्रमाण मिले हैं।